नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 28 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए 5 महीने पहले ये अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई हैं और इनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी ये डिवोर्स लेना चाहती हैं। सेकंड मैरिज का क्या सीन दिखता है ये भी ये जानना चाहती है। फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में सेटलमेंट का क्या सीन है और भी इनके क्वेश्चन है कि करियर को रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं इनका पाम हमें क्या बताता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई, इनको अपनी शादी में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ी, जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानियाँ और सामने वाले से जो ऐसा व्यवहार, खराब व्यवहार क्यों मिला। अब देखिए सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम में पिंक और ब्राउन कलर मुझे दिखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए झाई सी ब्राउन ब्राउन सी मुझे दिखाई दे रही है ये। और क्या होता है जब भी पाम में ब्राउननेस होती है तो इंसान के जीवन में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि दुख, परेशानी चलना, काम का धीरे धीरे बनना और होता है दबाए जाना, परेशान किए जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में अगर पाम की बात करें तो ये देखिए ये स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है इंसान के जीवन में क्या होता है, सक्सेस देरी से आती है। शुरुआती जीवन स्ट्रगल वाला लगता है, ऐसा लगता है जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, हर चीज़ को पाने के लिए मुझे बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जो मेरी एफर्ट्स है वो फेल हुए जा रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखना। यहाँ पर देखिए इनकी जो माइंड लाइन है वो इस प्रकार से चल रही है। देखिए यहाँ पर एक बल्ज भी है, तो जब भी इस तरह का स्लोप आता है तो वो लाइफ के किसी बड़े इंसिडेंट को दर्शाता है और नीचे झुकाव आना, चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव आना, कोई ना कोई दुख, ट्रेजेडी ये दिखाता है, कोई ना दुख, परेशानी, मेंटल टेंशन, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़राब होती है, हाथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हम पिक्चर को बड़ी करते हैं, एक तो ये दोनों रेखाएं अलग हैं, तो एक क्या होता है कि सोच काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसे में इन्हें कई बार सुनने को मिलता होगा परिवार वालों से कि भाई इसकी तो सोच ही अलग है, इसके तो विचार अलग चलते हैं, या माता से जैसे कहना चाहिए कि माता से थोड़े अनबन रहना, माता से विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर माइंड लाइन को देखिए, माइंड लाइन जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब है, ये देखिए ये बहुत डिस्टर्ब है। और ये कब तक डिस्टर्ब है, तकरीबन ये ऐसा लग रहा है 33 से लेकर 35 तक का जो समय है डिस्टर्बेंस वाली लग रही है, डिस्टर्बेंस वाली। ये देखिए ऐसे में इंसान अगर शादी कर ले, जो अगर हम देखें यहाँ से ये इनका जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये देखिए यव के चिन्ह भी आ रहे हैं, ये इस तरह की रिंग्स जंजीर रुमा हो रही है, तो क्या होता है इंसान के जीवन में दिक्कत, परेशानियाँ बड़ी होना, ऐसा लगता होगा मैं तो स्टक हो गई हूँ, मैं बाहर कैसे आऊँ, मैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए क्या करूँ, मैं जितने भी हाथ पैर मार लूँ लेकिन मेरे जीवन में सुधार आ नहीं रहा, मेरे सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। और साथ ही साथ इनके हाथ देख के मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अपने हालातों से जूझना, मतलब अपनी प्रॉब्लम से ये कैसे डील कर रही हैं, ये खुद ही जानती होंगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को, मतलब इन्होंने जो झेला है वो खुद बताना मेरे लिए मुश्किल है कि किस लेवल का ये झेल रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि इंसान मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टॉर्चर्ड हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम देखना यहाँ पर इनके हाथ में। लेकिन क्या है कि जैसे ये अपना 35 क्रॉस कर रही हैं, चीज़ें बहुत बेटरमेंट की ओर जा रही हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनका 33 पे आ जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि समय काफ़ी दूर है, 5 साल लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिख रही हैं, थोड़ा ढलान है रेखा में क्योंकि इमोशनल इशू है। ये देखिए इस रेखा को देखिए और इस रेखा को देखिए, तो इनकी जो 35 के बाद की जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर है। उससे पहले अगर मैं देखूं तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पर भाग्य रेखा पर आते हैं तो मैं दिखाती हूँ, तो यहाँ पर भी इनके सुधार है, मनी इश्यूज इनके, जैसे कहते हैं मनी ग्रोथ इनकी जो है समय की, वो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, अभी हम उसको और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इमोशनल इश्यूज जो हैं इनके वो काफ़ी हद तक इनके 35 के बाद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं इनको बोलूँगी शादी करने के लिए इनको रुकना चाहिए सेकेंड मैरिज के लिए, अभी इनको थोड़ा डिले दिखाएँ, ये 35 के आसपास आके ये शादी के लिए सोचें, 33 से 35 के आसपास देखें तो वो इनके लिए बेटर रहेगा, उससे पहले का समय इनके लिए ठीक नहीं है। क्या होता है कि अगर इंसान ऐसे ख़राब समय में शादी कर लेना तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं इंसान की, चाहे लव मैरिज हुई हो, चाहे कितनी जान पहचान में शादी हुई हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि इंसान का समय ठीक ना हो, तो अच्छे खासे जो आइडियाज़ होते हैं, चाहे अच्छे खासे कहना चाहिए कि जो पासे होते हैं, वो उल्टे पड़ जाते हैं, वो वही इनके हाथ में दिखाई देता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे अगर जॉब में प्रॉब्लम आना, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम देखना, लेकिन क्या होता है कि इंसान ने देखिए जॉब में क्या होता है, अगर आप प्रॉब्लम फेस करो तो आप वर्कआउट कर सकते हो। शादी में क्या होता है कि इंसान के लिए एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है और चीज़ें आसान नहीं होती, तो वो बहुत झेलना भी पड़ जाता है। मतलब कितनी भी नियर डियर में शादी होगी, इंसान को ऐसा लगेगा अरे शादी करते ससुराल वालों का एटीट्यूड ही बदल गया, पति का एटीट्यूड बदल गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानी, लड़ाई, झगड़े, ये सब चीज़ें एक तरह का अब्यूज़, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, सब चीज़ें एकदम शुरू हो जाती हैं। अब लेकिन जैसे मैंने कहा कि 35 के बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ है और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, तो माइंड से काफ़ी कुछ करना, काफ़ी आगे बढ़ना ये दिखाई देता है, अपनी फ्रीली ज़िंदगी जीना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। अब यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन देखें, एक इनका क्वेश्चन था फॉरेन कंट्री का, फॉरेन अब्रॉड सेटलमेंट का, तो वो भी मुझे दिखता है यहाँ से एक रेखा निकल रही है और चंद्रमा भी इनका अच्छा है। ये देखिए फॉरेन कंट्री के अच्छे चांस दिखते हैं, और फॉरेन कंट्री में जैसे मैं बोलूँगी कि एक होता ना विदेशी मुद्रा में कमाना और फॉरेन कंट्रीज़ में कमाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अब ऑनलाइन वर्क्स भी दिखते हैं यहाँ पर इनके। देखिए भाग्य रेखा पर आते हैं, ये देखिए ये फीमेल सपोर्ट अच्छा होना, जैसे कह सकते हैं कि फीमेल फ्रेंड्स हैं, बहन है, माता है, इसका सपोर्ट अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये और किसी जैसे ना मल्टीनेशनल में वर्क करना, ये भी हाथ में दिखता है। ऑनलाइन वर्क्स, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स, इस तरह की चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये देखिए भाग्य रेखा दो भाग में बट रही है। देखिए यहाँ पर हाथ में मैं दिखाऊंगी, बहुत कट क्रॉसेस हैं, बहुत कट्स इनके हाथ में, देखिए रेखाओं का जाल सा है। अगर मैं दिखाऊँ ये देखिए ये जब भी रेखाओं का जाल सा आता है ना, इंसान के ऐसा लगता है कि जीवन में ग्रोथ रुक जाना, और होता है कि एक आप ऐसा लगता है कि कोशिशें करे जा रहे हो, आपकी कोशिशें बेकार हो रही हैं, क्योंकि नेगेटिव लाइंस का असर बहुत ज़्यादा हाथ में दिखता है। ये देखिए कट्स, ये इस तरह की कट्स, ये तो नेगेटिव लाइंस का ज़्यादा बढ़ जाने से पॉजिटिव लाइंस अपना असर नहीं दिखा पाती। यहाँ पर देखिए दो भागों में भाग्य रेखा का बटना, और ये यही टाइम पीरियड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि ग्रोथ सक्सेस, अब ये अपना फुल फ्लैशली, अब जैसे इन्होंने जो डिसीज़न लिया है कि भाई आगे लाइफ में मूव ऑन करने का, तो ये देखिए ग्रोथ सक्सेस ये दिखाई दे रही है, अपने आप चीज़ें आगे बढ़ते जाना, मतलब इनको अब राह दिखती रहेगी, पीसफुली आगे बढ़ती जाएंगी ये। अब यहाँ पर ये देखिए ये कुछ कट्स हैं, ये देखिए इस तरह के, तो जीवन में बार बार चेंजेस आना, और ये अब इनकी अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी आगे ग्रोथ सक्सेस भी ले सकती हैं। और ये देखिए ये 35 के आसपास, ये देखिए 33 से 35 इनके जीवन में काफ़ी बढ़िया भाग्योदय दिखता है और ग्रोथ सक्सेस बहुत अच्छी दिखती है। ये उस समय कोई बड़ा काम करें फॉरेन कंट्री के लिए भी, जैसे अगर ये अब्रॉड सेटलमेंट चाहती हैं तो वो भी इनके लिए बेटर रहेगा, तो उस समय इनके लिए काफ़ी कुछ ही ग्रोथ के समय दिखाई देता है, एक लॉ, एक बड़ा जंप मिलना, इस तरह की चीज़ें। और उस समय ये शादी अगर करती हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वो समय इनको सूट करेगा। यहाँ पर ये देखिए ये कट्स, ये 42 के आसपास का कट है, जिसमें कि ये काफ़ी खर्चा करती हुई भी लग रही हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पर ये रेखा पे सपोर्ट भी मिलता हुआ लग रहा है, फिर 48 के आसपास भी ये कोई बड़ा खर्चा करेंगे और इस तरह का सपोर्ट भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो आगे जीवन इनका देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना, अब जितनी भी परेशानियाँ मुसीबतें थी, मेंटल टॉर्चर था, वो काफ़ी हद तक छूट चुका है। लेकिन अगर बात करें तो 33 पे आके इनको बहुत ऐसा लगेगा, मैं तो बिल्कुल लाइफ में एक होता ना कि यस दिस इज़ दिस आई वांटेड इन माय लाइफ, वो वाला सीन दिखता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में एक दिखाती हूँ मैं, ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी है, और ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी है, खर्च करने की शौकीन भी ये रहेंगी, बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेंगी। हृदय रेखा देखिए यहाँ पर, हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, हृदय रेखा जब भी डिस्टर्ब होती है, ये देखिए काफ़ी जंजीरदार है, लाइफ में धोखे मिलना, और ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेंड्स में धोखे मिलना, जिस पर विश्वास करती होंगी उससे परेशानियां मिलना, इस तरह की चीज़ें, तो ये देखिए ये काफ़ी जंजीरदार है। बातों को दिल पे ले लेना, कई कई दिन तक बातें दिमाग में घूमते रहना, दिल पे घूमते रहना, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, घबराहट सी बनी रहना, क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की चीज़ें।
अब ये देखिए यहाँ पर ये फोकनुमा हो रही है रेखा। जब भी रेखा फोकनुमा होती है तो ऐसे में इंसान जो है ना बहुत बड़े दिल का होता है, लोगों की बहुत मदद करता है। और मतलब ये जैसे ये फीमेल्स होती हैं कि जो अपना घर के लिए बहुत कोशिशें करना कि मैं अपने ससुराल वालों को पति को खुश करने के लिए पता नहीं मैं क्या कर दूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर दूँ, फुली डिवोशन दिखाती हैं। परंतु क्या होता है कि जब इंसान का समय ठीक ना हो तो उसे ऐसी परेशानियाँ देखनी पड़ जाती हैं। अभी इनकी मैरिज लाइन पर भी हम आएंगे और देखेंगे कि मैरिज लाइन क्या बताती है इनकी। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी जंजीरदार रेखा है, लेकिन आगे जैसे हम चलते हैं तो स्मूथ होती जा रही है। और ये देखिए ये देखिए ये पोर्शन देखिए आप, ये पोर्शन देखिए और ये पोर्शन। अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत स्ट्रगल दिखा रही है जो कि प्रेजेंट का समय है। ये आगे का समय दिखा रही कि थोड़ा बेटर हो गया चीज़ें, और आगे और आगे का समय अगर मैं दिखाती हूँ तो 35 के बाद का, तो ये बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में दिखा रही है। इनकी जो रेखा है वो छोटी नहीं है, बट थोड़ा सा लाइट है, डिमिनिशन। लाइट रेखा गलत नहीं होती, लाइट रेखा मतलब है कि आपकी लाइफ पीसफुल है, शांतिपूर्वक चल रही है, और हाथ में कुछ रेखा है लाइट है तो इसलिए उसका टेक्सचर भी लाइट आ रहा है, तो लॉन्ग लाइफ है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब इनकी विवाह रेखा पर एक बार देखते हैं कि विवाह रेखा में क्या बताती है। अब देखिए इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर विवाह रेखा को देखिए, विवाह रेखा को जब हम देखते हैं तो एक तो ये लाइन का आके ऐसे ये देखिए हस्बैंड वाइफ में टकराव होना, ये देखिए गड्ढा नुमा रेखा होना, तो ये भी जो इतनी गाड़ी गड्ढा नुमा रेखा हो जाती है तो ये भी एक शादी को ख़राब करती है। ये देखिए इस तरह की लाइंस का इंटरफेरेंस आना, ये देखिए ये ऐसे ये इस तरह में इंटरफेरेंस इनके घर में होगा, डोमिनेटिंगनेस। पार्टनर का होता ना कि मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ करो, और जैसे होता ना कि लड़ाई झगड़े फालतू के, इस तरह की चीज़ें होना और प्रेशराइज करना हर चीज़ के लिए। यहाँ पर देखिए ये दूसरी अगर हम विवाह रेखा की बात करें तो स्मूथ है, साफ स्वच्छ है, ऐसा लगता है कि कोई पसंद के पर्सन से शादी होना, और जैसे होता ना कि यस ही इज़ द राइट पर्सन, वो वाली चीज़ मुझे दिखती है नेक्स्ट मैरिज में। अब वो चलते हैं लेफ्ट हैंड पे। अब देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह की ये रेखा, ये यहाँ पर भी फोकनुमा रेखा आना इस तरह की, ये इंटरफेरेंस, ये देखिए यहाँ से ये इंटरफेरेंस दिखा रही है रेखा, तो इसी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। हमने राइट हैंड में देखा कि रेखा डिस्टर्ब थी, यहाँ पर भी रेखा में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, फोक निकल रहे हैं, तो ऐसे दिक्कतें आती हैं। ये देखिए इस तरह से फोक आ जाना, ये यहाँ पर भी ये गड्ढेदार रेखा होना, सॉफ्ट नहीं है रेखा, तो इसलिए ऐसी दिक्कतें इनके जीवन में आई। ऊपर से समय ख़राब, अगर क्या होता है कई बार कि अगर समय सही हो और रेखा अगर मैं थोड़ा दोष वाली भी हो तो इंसान का जीवन में समय कट जाता है, लेकिन जब समय ठीक ना हो तो दिक्कतें परेशानी बढ़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जीवन का ग्राफ, शुरुआती जीवन स्ट्रगल वाला, उसके बाद जीवन में रिलीफ आ रहा है। गुरु की फिंगर देखें तो अच्छी लंबी है और इधर की ओर टिल्ट है, रिलीजियस माइंडेड बनाता है इंसान को। और ये देखिए ये अगर सूर्य की फिंगर से कंपेयर करें तो थोड़ी सी आगे निकल रही है। होता क्या है कि ऐसे में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है इंसान के अंदर, जो काम हाथ में लेती हैं पूरा करके दिखाती हैं। इनकी देखिए ये फिंगर भी इधर की ओर टिल्ट हो रही है, सूर्य की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है और प्रूव करके दिखाता है। ये ऐसा लगता होगा इस समय कि भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी तो कोई चल ही नहीं रही, सब मुझे दबाने में लग रहे हैं, डांटने में लग रहे हैं। लेकिन वही लोग एक दिन रियलाइज़ करते हैं कि देखो इसने कितना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रही है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना मतलब इमोशनली ब्लैकमेल्ड किया जाता है, इमोशनली लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर ये देखिए फिंगर ही अलग है, तो क्या होता है समाज से अलग हटके सोच होती है, समाज से अलग हटके चलना, अलग हटके सोच, दुनिया होता ना एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा तिल दिखता है, ये देखिए। ऐसे में क्या होता है, इंसान ना जब भी कोई अच्छा काम करता है ना तो तारीफ दूसरे ले जाते हैं, और जब कोई दूसरे द्वारा काम बिगड़ जाता है, किसी आपके कुलीग ने काम बिगाड़ दिया, तो उसका सारा जो इल्ज़ाम है अपने ऊपर आना, ऐसी कुछ चीज़ें भी फेस करनी पड़ जाती हैं। परंतु ये तिल बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, तो मुझे लगता है इसका बैड इम्पैक्ट ना ये निकल रहा है, काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि मुश्किल से 5-7% इसका इम्पैक्ट बचा हुआ है। तो थोड़ा सा जो है सुबह के समय बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सन की पहली रेज निकलती हैं तो तभी थोड़ा सा सन वहाँ तब तो अपने आप को धूप लगाएं, तो 5-1 मिनट धूप लगा लें तो उससे ही इनको ये इसका बैड इम्पैक्ट जो है चला जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये गैप भी है, तो ऐसे झरोका जब भी होता है हाथ पे तो खर्च करने के शौकीन होते हैं, शॉपहोलिक भी होते हैं। अब आते हैं इनके उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स पे। देखिए इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये टेंटेड आर्च है। जब भी इस तरह का टेंटेड आर्च आता है इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अपना मुकाम हासिल करने के लिए इनको ऐसा लगता है कि मतलब कड़ी मेहनत पड़ जाना एक लेवल पे पहुँचने के लिए, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम कई बार फेस करना पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नर लूप है, तो ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में जीवन में काम रुक रुक के बनना, धीरे बनना, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं, आपको ऐसा लगेगा 30 वर्ष तक तो ये काम धीरे धीरे बनने और मुझे अपने काम को अंजाम देने में थोड़ी मेहनत पड़ रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह का पीकॉक साइन है। कभी कभी इंसान अपना प्रोफेशन चेंज करता है, कोई अलग तरह की पढ़ाई करके और कोई दूसरा जॉब भी देखता है, इस तरह की चीज़ भी इनके हाथ में दिख रही है। क्योंकि हमने देखा कि जो भाग्य रेखा का जो तरीका है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आगे कोई स्टडी करे और उससे रिलेटेड आगे अपने प्रोफेशन को लेके जाए। यहाँ पर देखिए इस तरह का इनके हाथ में एक उन्नर लूप है, ऐसे में इन्हें किसी को पैसा देने से पहले बचना चाहिए, विश्वास करने से बचना चाहिए, इजी मनी, फास्ट मनी, स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा इनको अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, इंसान ना इमोशनली जब डिसीजन ले लेता है, फास्ट मनी की तरफ जाता है, तो इंसान को कई बार धोखा मिलता है। कभी भी किसी को उधार दें तो सिर्फ ये सोच के दें कि डोनेशन के तौर पर, नहीं तो फ्रेंड्स या रिश्तेदार में वो पैसा लौट के नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर इनके डबल लूप है। जब भी इस तरह का डबल लूप आता है हाथ में, होता क्या है इंसान के लाइफ में ना रोलर कोस्टर टाइप, मतलब ऐसा लगता है आधा जीवन एक तरह का, आधा जीवन एक तरह का, और गोल मतलब होता क्या है, ऐसा लगेगा कि मैं अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद दोबारा से शुरू करना, ट्विस्ट एंड टर्न्स आना लाइफ में। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते होंगे इनके माइंड में कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सब लोग सुख शांति से रह रहे हैं, मैं ही हूँ जो मतलब एक चीज़ सेट होती नहीं है दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी को सेट करती हूँ तो पहली बिगड़ जाती है, ऐसा फील होना। ये देखिए मन की शांति भंग होना, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन्स जो है, मतलब ऐसा लगता है कि इनको सिर भी भारी रहता होगा और मन में अशांति रहना, और जैसे होता ना स्लीपलेसनेस, इंसोमनिया, ये सब प्रॉब्लम्स होना, ठीक से नींद नहीं आना, घबराहट रहना, इस तरह की चीज़ें भी फेस कर रही होंगी। यहाँ पर देखिए तो ये इस तरह का इनका एक डिवीजन है, इसमें यव का चिन्ह तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे में ये देखिए जीवन में क्या होता है कि ऐसे लोग ना जो कुछ बनाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से बनाते हैं, अपनी काबिलियत से, ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करी होती है इन्होंने। यहाँ पर देखिए विल पावर और लॉजिक प्लानिंग, इनका विल पावर थोड़ी सी अपनी बढ़ाएं तो इनके अंदर और इनको फ़ायदा मिल सकता है, और फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम देखें तो इनका मजबूत अंगूठा काफ़ी मजबूत है और लॉजिक प्लानिंग काफ़ी चलाती हैं, लॉजिक्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, वैलिड होते हैं, और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करती हैं ये, और लाइन ऑफ डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी है, लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके हाथ में बहुत बढ़िया है, लाइन ऑफ आगे फैमिली भी अच्छी है, बच्चे का सुख भी इनके हाथ में अच्छा दिखता है। अब इनके हाथ में जैसे देखिए मजबूत सशक्त अंगूठा है, तो ये लोग में क्या होता है कि जब तक बैठे बैठे तब तक चीज़ों को सहन कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा फिर कहेंगे बस आज तो मैं फुल एंड फाइनल कर दूंगी इसका उठा के, बिल्कुल वो वाली चीज़। और ये इनके अंदर होता है कि जब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, जब तक मैंने नहीं ठाना था तो नहीं ठाना था, अब मैंने ठान लिया तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, इस तरह के इनके अंदर इरादे, मजबूत इरादे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का पीकॉक साइन है, तो क्या होता है ऐसे लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है, परंतु अपने टैलेंट को दिखाने के लिए ना इनको जैसे एक अच्छे समय का वेट करना पड़ जाता है। ये लोग दुनिया को, समाज को दिखा के मानते हैं कि तुम गलत हो। यहाँ पर देखिए कि कट आ रहा है, ये कई बार ना क्या होता है मान सम्मान हानि कराता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि हाथ में हर चीज़ नेगेटिव है, लेकिन क्या होता है कि लोगों द्वारा जैसे पीठ पीछे बुराई का सामना करना, इस तरह की चीज़ें होना, लोग तो ऐसा लगता है कि बस मौका मिलना चाहिए, आते हैं लोग लेक्चर सुना के चले जाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना। लेकिन इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, लेमन येलो कलर का दुपट्टा हो, लेमन येलो कलर का कुर्ती हो, या लेमन येलो कलर का टॉप, इस तरह की चीज़ों का यूसेज बढ़ाएं, या लेमन येलो कलर का हैंकी भी अपने साथ रख सकते हैं, तो उससे इनको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का उन्नर लूप है,
और हमने राइट हैंड में भी यही देखा था। तो जीवन में क्या होता है कि चीज़ों का देरी से मिलना। अब देखिए यहाँ पर मैं इनके सूर्य की, इनका एक क्वेश्चन था कि लोग मुझसे जेलसी क्यों रखते हैं। ये देखिए इस तरह की लाइन जब होती है ना तो इंसान को ऑफिस पॉलिटिक्स कई बार झेलनी पड़ती है, यानी कि दूसरे ने काम ख़राब करा है तो अपने ऊपर इल्जाम आएगा, हमने काम अच्छा करा है तो दूसरे तारीफ ली जाएंगी, इस तरह की चीज़ें। तो जो मैंने जो सुबह अर्ली मॉर्निंग धूप वाला उपाय बताया वो करें, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। कि देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्हें लूप है, तो अपनी मेहनत बलबूते से राइज कर जाना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उन्नर लूप है, इस तरह का उन्नर लूप जब भी आता है तो जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था, तो सोच समझ के पैसे के डिसीजन लें, नहीं तो इनको धोखे भी मिल सकते हैं पैसों के मामले में। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही बढ़िया चक्कर का निशान इनके हाथ में है। जब भी ऐसा चक्कर का निशान हाथ में आता है इंसान अपनी लाइफ में, देखिए क्या होता है, बहुत कुछ बड़ा करके दिखाता है। ये फीमेल पाम है, लेफ्ट हैंड पे चक्कर का निशान है, बाई बर्थ बहुत टैलेंट है इनके अंदर। ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ जानती हैं और बहुत इनोवेटिवनेस है इनके अंदर, तो वो ये उस चीज़ को यूज़ करेंगी। जब कहते हैं ना जिसके पास टैलेंट होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको बहुत ही बढ़िया यही आपका निशान है। यहाँ पर ये देखिए लाइफ में बदलाव आना, ये जो झेला मैंने झेला लेकिन अब मैं अपने तरीके से कर दिखा दूँगी, झंडे गाड़ के दिखाऊँगी, मैं कर दिखाऊँगी, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए ये लाइंस भी मैं दिखाती हूँ, ये कितने कट्स, ये पीसफुलनेस नहीं है, दिमाग मन अशांत बहुत है। तो मैं इनको बोलूँगी मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण बेस्ट रहता है। जब भी मैं देखा है हाथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइंस हो, या तो इंसान गायत्री मंत्र 3 बार बोले, 3 माला नहीं, 3 बार बोल के अपना दिन शुरू करे, और या फिर ओम का उच्चारण कर ले। तो डेली ओम का उच्चारण 2 से 3 मिनट करे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। 3 से 6 महीने तक करिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो हाथ में नेगेटिव लाइंस है वो अपने आप डिमिनिश हो जाती हैं, पॉजिटिव लाइंस उभर के आने लगती हैं और हाथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेंसी के अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, यानी ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। और होता क्या है कि जितनी भी जैसे हाथ में जो नेगेटिव लाइंस होती हैं ना, अपने आप डिमिनिश तो होती हैं, पॉजिटिव लाइन वर्क करनी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लाइन के जो कट क्रॉसेस होते हैं पॉजिटिव लाइन को वर्क नहीं करने देते, तो वो सब भी शुरू हो जाता है। अब 10 की 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें, हमने इनके लेफ्ट हैंड में ये अंगूठे के पर चक्र का निशान देखा, जो अपने आप ही इंसान के हाथ को मजबूत बनाता है, ये पूरे हाथ को बल देता है, ये पूरे हाथ को लेफ्ट, और ख़ास तौर से फीमेल्स में जो लेफ्ट थंब में चक्र का निशान हो, तो वो जैसे कहते हैं ना कि फीमेल में कि भाई एक नारी शक्ति, वो चीज़ हम कह सकते हैं, और ऐसी नारी को कोई रोक नहीं सकता। तो ये अपने आप ही पूरे हाथ को बल देता है, इंसान को पावर देता है, चाहे हाथ में कोई अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन ये इंसान को एक पूरी तरह से बल देता है। अब देखिए 10 की 10 उंगलियों में हमने जब देखा कि उनर लूप्स भी देखे, हमने पीकॉक साइन भी देखा, तो इनके जीवन में ना क्या है, पीकॉक साइन और उनर लूप्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं, साथ में अंगूठे पर ये चक्र का निशान, ये बताता है कि जो हुआ वो हो चुका, अब आपको आगे की ओर देखना है, पीछे नॉट लुकिंग बैक करना, आगे की ओर देखना है। आगे लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो बहुत अच्छी होंगी, और आप अपने जैसे कहते हैं ना, अब रास्ते खुलने का समय। अभी तो क्या था कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझे हुए थे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपकी चीज़ों में होता क्या है कि एक हर चीज़ में एक रुकावट आ रही थी, लेकिन अब जो है आगे आपको हर चीज़ का रास्ता खुलता हुआ दिखेगा और आप आगे करते चले जाओगे, क्योंकि आपका चक्र का निशान आपको रुकने नहीं देगा। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर फिंगरप्रिंट, राइट हैंड के माउंट्स पर, देखें राइट हैंड के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत ये दबा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि येलो कलर का यूज़ बढ़ाइए। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट कराता है ये, और ये देखिए यहाँ पर एक ना इनके गुरु वाले भी बन रहा है ये इस तरह से। तो सोशल सर्विस करवाना, हाथ से जैसे होता ना अच्छा काम करूँ मैं, अच्छे कर्म करो, इस तरह की चीज़ें होना। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए एक ये शुक्र वलय बन रहा है। होता क्या है ऐसे में ना, लाइफ लग्जीरियस रहती है, लेकिन इनके जैसे पहले माता पिता को फ़ायदा होता है, फिर भाई बहन के लिए लकी रहते हैं लोग, फिर शादियों के ससुराल जाते हैं, ससुराल वाले फलने फूलने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें होना। यहाँ पर देखिए ये बात करूँगी मैं, ये कट्स आए हुए हैं, मन में अशांति आना,
और एक मेरे को यहाँ पर एक मछली का चिन्ह दिखता है तो ओल्ड एज लग्जीरियस बनाता है, काफ़ी धन संपत्ति भी दिलाता है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत यहाँ अच्छा है, और यहाँ पर ये एक ये इस तरह का ये स्टार का चिन्ह, अपने काम के लिए रिकॉग्निशन मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, और कुछ इनहेरिटेंस का योग भी दिखता है, और ये मछली का चिन्ह भी हमें इनके हाथ में दिख रहा है जो आगे जीवन में अच्छी सक्सेस ग्रोथ भी दिखा रहा है। अब देखिए बुध पर्वत अच्छा है, लॉजिक रीजनिंग बहुत बढ़िया होती है, और एक ये देखिए ये लूप ऑफ ह्यूमर है, यानी जॉली नेचर्ड होना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बुध पर्वत जब अच्छा होता है ना, इंसान के अंदर एनालिटिकल पावर, लॉजिक, रीजनिंग ये सब अच्छी होती हैं, इंसान अपनी ना सोच समझ के कार्य करता है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और लॉजिक का क्षेत्र भी हमने देखा था वो बहुत अच्छा था इनके हाथ में, लॉजिक और प्लानिंग बढ़िया थे। तो क्या होता है कि हर चीज़ को कि मैं क्या कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यस करूँ कि नो करूँ, और हर चीज़ रिसर्च डेवलपमेंट में दिमाग अच्छा तेज़ दौड़ना, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कई बार नॉलेज बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल फील्ड में भी कई बार ये लोग जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल फील्ड, ये सारी चीज़ों में भी दिमाग काफ़ी तेज़ दौड़ाते हैं लोग, पैसों को मल्टीप्लाई करना भी इनको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर ये देखिए ये मंगल पर्वत इनका बहुत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। अंदरूनी मंगल की बात करें, ये देखिए अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, यानी कि क्या होता है कि ऐसे लोग कितनी भी परेशानी आए लाइफ में ये लोग डरते नहीं है, ये लोग कहते हैं डट के सामना करेंगे उसका, फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी शार्प होती है। अब देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा है, ब्रॉड है, ये घर परिवार से दूर सेटलमेंट कराता है, और ये थोड़ा सा भी इस समय दबा हुआ है क्योंकि मन का ना परेशान है, चंद्रमा जब भी दबा हुआ होता है तो मन में ना व्याकुलता लेकर आता है, परेशानी डिप्रेशन सा लेकर आता है, क्या करूँ कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको बोलूँगी कि थोड़े टाइम में आप जैसे जो ये ओम के उच्चारण से और जो मैंने बताया है उपाय उससे इनका ये बेटरमेंट होगा। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए ये हमने लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके हाथ में अच्छी देखी थी, फीमेल सपोर्ट इनके हाथ में बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन वर्क से भी इनको फ़ायदा होता है। अब ये देखिए शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा ब्रॉड है, और यहाँ पर क्या है देखिए शुक्र पर्वत ये दबा हुआ है, तो जैसे क्या होता है इंसान ना ऐसा लगता है कि प्यार का भूखा होना, जैसे होता है ना मुझे प्यार और रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार के दो बोल दे दे कोई, इस तरह की चीज़ें होना, और ख़ास तौर से जब गृह जीवन में दिक्कतें हो तो शुक्र भी दबा हुआ महसूस होता है। अब देखिए शुक्र काफ़ी ब्रॉड भी है, तो जैसे महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी ये सब खूब लुभाते हैं, कई बार जीवन में लगता होगा कि और पैसे आ जाएँ तो मैं अपने लिए और पता नहीं क्या कर लूँ, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी लविंग केयरिंग अफेक्शनेट लोग होते हैं ये। अब इनके हाथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे में अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके जीवन में काफ़ी आते हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ में क्या मिलता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेखाओं पर ये देखिए कैसे डॉट्स से बने हुए हैं, तो ऐसा में डॉट्स जब आते हैं ना तो ये बचपन से परेशानी देखना, लाइफ में बचपन से स्ट्रगल, देखिए कितने मोटे मोटे डॉट्स हैं ये देखिए डॉट्स, अर्ली एज से स्ट्रगल करना। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये अपने आप ही ये 28 के बाद ही स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, ये आ गया टाइम पीरियड इनका, ये देखिए ये आप रेखा को देखिए और रेखा को देखिए इस तरह की, और एक देखिए 1, 2 और 3 कितने मोटे मोटे डॉट्स दिख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊँ ये देखिए ये अलग ही पता चल रहे हैं। तो जब ऐसे डॉट्स हों तो इंसान के जीवन में कितनी परेशानियाँ होंगी, कितनी दुख, मतलब मुझे लगता है कि देख के लग रहा है कि कैसे झेला होगा उन्होंने, ये समय कैसे काटा होगा यही जानती होंगी। यहाँ पर ये देखिए इनकी ये मस्तिष्क रेखा को देखिए ये कितना, ये अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ ये देखिए क्या ये अब के चिन्ह, मतलब पाउडर भी फंस रहा है ऐसा ये, तो ऐसे समय में इंसान शादी करने की कर लेता है तो उसको ऐसे ही दिक्कत परेशानी देखनी पड़ती है, इंसान को लगता है कि मैं कैसे बाहर आऊँ, कोई हे ईश्वर, मतलब रोज़ रात को तो ईश्वर को याद कर करके सोता है ऐसे में इंसान, ये देखिए ये उसके बाद आप देखिए साफ स्वच्छ रेखा है, दो भागों में बट रही है, यानी कि एक्सप्लोर करेंगी ये काफ़ी कुछ बड़ा इनोवेटिव करना, ये देखिए ये उसके बाद जीवन बेटर होता जा रहा है। यहाँ से एक बुध रेखा इतनी बढ़िया निकलना तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने बलबूते पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ अपना करना, कुछ कंसल्टेंसी वर्क करना, अपना बड़ा इनोवेटिव कुछ करना,
अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये हृदय रेखा डिस्टर्ब है। देखिए जब इमोशनल इश्यूज होते हैं तो इंसान की हृदय रेखा डिस्टर्ब भी दिखती है। और यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए भाग्य रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है। ये देखिए फॉरेन कंट्री से पैसा कमाना, दूर से पैसा कमाना, ये सब दिख रहा है इनके हाथ में। तो काफ़ी भाग्य रेखा का सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए कितनी बड़ी मछली इनके हाथ में आ रही है। पैसे की दिक्कत इनको नहीं आएगी, ना थी ना है ना रहेगी, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। इनके हाथ में पैसा काफ़ी है, करियर से अपने बहुत बना लेंगी, इनको वैसे भी बहुत सपोर्ट जैसा होता है ना अपने भाग्य और पैसा उपजाऊ भाग्य वो वाला, तो वो चीज़ दिखती है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। राइट हैंड वो है जो जीवन में खुद पर आता है इंसान, तो राइट हैंड में भी बहुत जैसे कहते हैं ना वेटेज है इनके हाथ में। अब ठीक है कुछ चीज़ें जीवन में अपनी मनचाही नहीं होती, लेकिन इनके हाथ में करियर को लेके पैसे को लेके हाथ बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखिए इनके गुरु पर्वत इनका अच्छा है। यहाँ पर देखिए एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एक ये देखिए ये इस तरह का लोटस का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है, लक्ष्मीवान बनाता है इंसान को, पैसे रुपए की दिक्कत नहीं देता। पैसे इनको जैसे कहते हैं ना कि जब भी पैसे की दिक्कत आएगी अपने आप पैसा बना लेंगी, पैसा इनको मतलब होता ना कि मैं कर ले जाऊंगी, मैं पैसा बना लूंगी, इस तरह का हैंड है ये। यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस की रेखा भी अच्छी है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए सूर्य रेखा इस प्रकार से चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आके ये त्रिशूलनुमा निशान बन रहा है, तो कुछ बड़ा इनोवेटिव करना है लाइफ में, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। अब देखिए यहाँ पर कितने कट्स हैं, ये देखिए कितने कट्स, तो बताओ कैसे फल मिले। ये देखिए यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह भी है, तो ओल्ड एज में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलना 48 के आसपास, बल्कि मैं बोलूँगी ओल्ड एज भी नहीं 48 के आसपास कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी इनको मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए ये लूप है, ये तो लूप ऑफ ह्यूमर, जॉली नेचर्ड होना। बुद्ध पर्वत भी इनका अच्छा है, सूर्य भी में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा धूप में बैठने से ठीक हो जाएगा। और ये देखिए बुद्ध पर्वत भी अच्छा है, तो अच्छी लर्निंग पावर्स होना। यहाँ पर ये देखिए मंगल पर्वत इनका, दोनों मंगल इनके बहुत अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल बहुत बढ़िया है। ऐसे में ना इनके साथ ना ये होता होगा लोग बहुत टकराते होंगे जो इरिटेट करने वाले, इनसे लड़ाई करो, इनको परेशान करो, इनका काम ख़राब कर दो, ऐसे लोग बहुत टकराते होंगे। यहाँ पर देखिए हाथ में चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, तो इमोशनल भी बनाता है, जैसे प्यार भरे, लविंग केयरिंग अफेक्शनेट होना। शुक्र पर्वत की बात करें तो ये देखिए शुक्र पर्वत यहाँ अच्छा है, तो जैसे होता ना कि मैं सबको प्यार दूँ, अच्छा वो करूँ, लाइफ लग्जीरियस बनना और लाइफ में हर तरह के सुख सुविधा के साधन आना। अब ये देखिए यहाँ पर किसी का बहुत अच्छा साथ भी जीवन में दिखाई देता है, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह यहाँ पर भी दिखता है, एक हमने ये बड़ी मछली यहाँ तो देखी थी, यहाँ पर भी है, जो इनके जीवन में कदम कदम पर अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके करवाएगी। मछली शाइन कर रही है तो गेंस भी कराएगी। अब देखिए ओवरऑल अगर मैं हैंड की बात करूँ तो आगे जीवन में देखिए जैसे शादी का समय मैंने बोला 33 से 35 के बीच इनको सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। और जो इनके हाथ में हमने रेखाएं देखी, जो डिस्टर्बेंस देखा, इसी कारण इनके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई। अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो अब्रॉड के चांस भी इनको मिलेंगे, आगे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और सेटल होना चाहती हैं तो उसी लिहाज से भी हाथ बहुत अच्छा है। करियर ग्रोथ बहुत बढ़िया है इनके हाथ में, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ ही ले जाएंगी। और जैसे कहते हैं ना कभी कभी वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा, वो चीज़ का प्रॉब्लम इन्होंने जीवन में फेस करा, इसलिए इनके जीवन में इतनी दिक्कत आई। और बाकी हमने मैरिज लाइन में भी जो डिस्टर्बेंस देखे, तो मैं हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।